रांची के सिमलिया स्थित थाना रातू में दो पक्षों के बीच पिछले कई दिनों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। दोनों पक्ष आपस में गोतिया है। पहला पक्ष जुम्मन अंसारी ने बताया कि हमारे गोतिया पूर्वजों की जमीन हमें देना नहीं चाहते। जमीन का मामला कोर्ट में चलने के बावजूद भी हमारे गोतिया जमीन में काम कर रहे हैं। प्रथम पक्ष जुम्मन अंसारी का कहना है कि जब जमीन पर 107 और टाइटल सूट का मामला चल रहा है तो कैसे सफीक अंसारी द्वारा काम कराया जा रहा है। जुम्मन अंसारी ने रांची जिला प्रशासन और रातू थाना से अपने जान माल की नुकसान की गुहार भी लगाई है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक और ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को भी पत्र लिखकर इस संबंध में न्याय की मांग है। क्या बोलते हैं? नखो तोर जमीन नहीं देबो, तोर हक यहाँ नखो तो का तो यहाँ यहीं ला मार के फेंक देबो कथी ला। जमीन देने को राजी नहीं? नहीं। तो आप क्या चाहते हैं? तो हम चाहते हैं कैसे ले लेबे, हमर चीज है, हमर छुआ पुता गरीब हथिन तो कुंबा कुरियान हथिन, एगो भागल है, कहाँ कहाँ रोजी रोटी चलात है, मने कने जोड़ाई करे जात है छुआ पुता लेके, पहले का करे गो भट्ठा जाए ले, भट्ठा जा जा घर बना हथे छो। क्या नाम? क्या नाम हुआ आपका? अनिल जखत। हमारा जमीन सिमलिया में है और वो जमीन हमारा गोतिया सब उसको कब्जा किए हुए हैं। वो लोग देना नहीं चाहते हैं। 7 एकड़ जमीन हमारा है वहाँ और वो लोग देना नहीं चाहते। जमशेद और सब ये दोनों मिल के और ये जो मुकेश पांडे है, जगदीश गुप्ता है, नूरुल होदा है, ये लोग के साथ लग के और जमीन को देना नहीं चाह रहे हैं। दलाल लोग के चक्कर में फंस के और देना नहीं चाह रहे। तो ये जमीन के बारे हम लोग 44 किए थे कोर्ट में, तो वो केस भी ख़त्म हो गया। अभी केस और बाकी है, उसमें चल रहा है, लेकिन वो केस ख़त्म हो गया। तो ये लोग अब हमको कहता है कि जमीन में चढ़ेगा तो जान से मार देंगे, तो हम डर के मारे नहीं जाते हैं। थाना गए तो थाना बोला कि भाई अब आप लोग का कोर्ट का मामला है, यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप लोग कोर्ट में केस किए हुए हैं, आप लोग कोर्ट से समझिए। तो कोर्ट गए, ये SB के यहाँ गए, फिर वो क्या बोलते हैं ग्रामीण SB के यहाँ गए, उन लोग को भी निवेदन माने नोटिस ये कागज पहुँचा दिए। अब इसमें हमारा यही निवेदन है कि आप लोग से सबसे अपील है कि मेरा जमीन हमारा हिस्सा में जो पड़ता है वो जमीन हमको दिलाया जाए। सरकार से भी यही अपील करते हैं कि वो हमारा हिस्सा जमीन जो है उसको दिया जाए और हमको जो तरह तरह का मुसीबतें अभी झेल रहे हैं, ये लोग का डर से हम जाना भी नहीं चाहते हैं उधर, लेकिन जाना पड़ जाता है। हमारा जान माल सबका नुकसान है, क्षति है, इसलिए इसको सरकार से निवेदन है कि इसको हमको माने जान माल के बचाने के लिए ये सुरक्षा करें और हमारा जो हक है वो हक हमको दिलावें। ठीक। खाता संख्या, प्लॉट संख्या कुछ याद है? आए? खाता नंबर जो जमीन का है आपका? मौजा सिमलिया, थाना रातू, जिला रांची के रहने वाला हुआ मैं। खाता नंबर 69 10, 91, 10, 95, 10, 98, 10, 55, 10, 54, इतना खाता नंबर है और इतना खाता नंबर का मेरा जमीन उसमें है। बोलिए कि मैं इसका कॉपी भी दिखाता हूँ, घुमा दीजिए, घुमा दीजिए। ठीक हो गया? कौन है पूछ लीजिए ना, इतने भाई कौन है, नाम बताइए। लड़ाई बस सिर्फ जमीन का लेकर है, मैं लड़ना नहीं चाहता।
मुझे इस हिस्सा को दे दे तो मुझे उससे कोई तफरका नहीं है या कोई लड़ने का मकसद नहीं है, सिर्फ मेरा जमीन जो लोग मैंने कब्जा किया हुआ है उस जमीन को दे दे, मेरा सब कुछ मामला हल हो जाए। इस जमीन में टोटल कितने हकदार हैं और आप में? 7 एकड़ जमीन का हकदार है इसमें। आपका? मेरा। उन लोगों के पास कुछ पेपर है? वो किस चीज में दावा करते हैं वहाँ पे चढ़कर जमीन में? पेपर है उसका। वो अपना जो जमीन पे, आपका जमीन पे क्यों दावा करते हैं वो? क्या है उनके पास प्रूफ? उनके पास यही है कि वहाँ रहते तो नहीं थे, मैं ना जानते थे कि मेरा जमीन कहाँ है या नहीं है। जब ये चीज हमको अभी जानकारी हुआ कि भाई मेरा जमीन है वहाँ, तो लोग से बात किए तो बोला कि तुम्हारा जमीन यहाँ नहीं है, तो बोले भाई हमारा जमीन यहाँ है, नहीं है तो फिर हम नहीं लेंगे, तो फिर हमको कोर्ट जाना पड़ेगा जमीन के लिए। ये लोग देने के लिए एग्री नहीं हुआ, तो इसलिए हम कोर्ट फिर चल गए। कोर्ट गए तो वहाँ ये लोग मैंने कहने लगा कि कहा है आप वहाँ केस किया हम लोग को परेशान करने के लिए। हम बोले भाई परेशान का कोई बात नहीं है, इसमें तो मेरा हिस्सा लेने के लिए हम किए हैं, तुम लोग को परेशान करने के लिए नहीं किए हैं। अगर तुम लोग को परेशान करना रहता तो हम ऐसे भी कोई परेशान कर सकते थे, लेकिन मेरा हिस्सा है उसको दे दो, कोई परेशानी नहीं। तो वो लोग बोला कि तुम्हारा हिस्सा यहाँ नहीं है, तुम यहाँ तुम्हारा हिस्सा नहीं, तुम्हारा हिस्सा किधर और होगा। हम बोले भाई किधर है मेरा हिस्सा, यहाँ मेरा नाम है दादा का, मेरा यहाँ सब कुछ है, तो मेरा हिस्सा कहाँ चल गया। तो वो लोग बोलने लगा कि नहीं यहाँ तुम्हारा हिस्सा नहीं है और अभी तक बोलता है। तो इसलिए हम लोग केस किए, केस करने के बाद 44 किए, वहाँ काम चल रहा था, काम को रोक दिया, रोक दिया। फिर इधर उधर इधर उधर होने के बाद जब 44 खत्म हो गया तो फिर अभी काम चालू कर दिया। तो ये मेरा ये है कि काम को रोक दिया जाए वहाँ, और जब तक इसका फैसला ना हो, कोर्ट इसका फैसला डिसीजन ना दे, तब तक वहाँ काम ना चले। ये जो घटना हुई उसके बाद आपने किन अधिकारियों को सूचित किया या आवेदन दिया? थाना को हम लोग गए। कौन थाना? रातू थाना। रातू थाना गए, वहाँ गए, उसके बाद बड़ा बाबू बोले तो बड़ा बाबू इधर उधर बात कर दिए। तो एक पहले से नहीं है उनके पास गए, तो वो बोले कि ठीक है हम इसको करते हैं। उसके बाद वो जाके कागज बना के फिर 44 में केस कर दिए। तो थाने से केस कराए, ये नहीं कि हम लोग जाके कोर्ट में किए, सो बात नहीं, थाने से केस हुआ। लेकिन अभी जो 44 खत्म हो गया तो वहाँ काम चालू हो गया, और जब काम चालू हो गया तो फिर हम लोग का फैसला होगा कैसे। अच्छा, वो लोग कौन है आपका? वो लोग हम लोग गोतिया है, जमशेद और शफीक। पूरा नाम बोलिए। जमशेद शफीक अंसारी। हाँ बोलो। और जमशेद अंसारी। क्या लगते हैं भाई? बात ही है। हम बात हुआ था ये आपका काम भाई हुआ भाई। और ये दोनों भाई हुआ, दोनों भाई तो इसके लिए मैंने हम परेशान है कि भाई हमारा जान माल का भी नुकसान होने का अंदेशा है, तो उसको मैंने ये सरकार या थाना प्रभारी किसको हमको रक्षा करे और इस जो जो चीज का विवाद है उसको हल कर दे, मसला को हमारा जो हक हुकूक है उसको दिला दे। क्या नाम हुआ आपका? जुम्मन अंसारी। नाम बताइए। जुम्मन अंसारी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।